साहित्यकार किसी के सत्य को संदर्भों के साथ जोड़, जिसे रचनाकार अपने भावों के साथ मिश्रा साहित्य व्यक्ति और उसके चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है। संतुष्ट है उसका प्रयोग जीवन के यथार्थ में हुआ। आज भी एक ही देश से अलग हुए दान को भुलाकर विभिन्न धर्म आपस में शिक्षा न केवल पुस्तकों के ज्ञान। आज का कार्यक्रम पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हिंदी की वरिष्ठ लेखिका चांद दीपिका का जो उपन्यास है उसका विमोचन हो रहा है। क्योंकि चांद दीपिका बहुत अरसे से लिख रही हैं, उनके बहुत से कहानी संग्रह हैं, उपन्यास हैं, वे पंजाबी में भी लिखती हैं, तो ये जो उनका नया उपन्यास है वो आदर्शवाद को लेकर के है। एक्चुअली वो आदर्शवाद को लेकर के ही चलने वाली लेखिका हैं। आज का ये कार्यक्रम युवा हिंदी लेखक संघ की ओर से किया जा रहा है, जिसमें जम्मू की लेखिका चांद दीपिका जी के उपन्यास का विमोचन किया जाएगा और दूसरा सत्र जो है उसमें काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और ये युवा हिंदी लेखक संघ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक तो जम्मू में लेख में उपन्यास लेखन बहुत कम हो रहा है, लेकिन चांद दीपिका ने लिखा और ये मौका संस्था को दिया है। और दूसरा को है कवि गोष्ठी, जिसमें जम्मू के बहुत महत्वपूर्ण कवि जो हैं वो यहाँ आए हैं और अपनी कविताएँ प्रस्तुत करेंगे। तो मैं उन सभी कवियों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि वो संस्था से जुड़े हैं।